Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to learn about solving square root by division method. So previous video में हमने ये सीखा था कि हम square root को factorization method से कैसे solve करेंगे. उस video पर किसी ने comment किया था कि division method से square root solve करना सिखाया जाए, तो मैंने उनकी request पर ये video upload किया है. सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन डिवीजन मेथड के थ्रू. सो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है 1, 2, 2, 5 जो कि रेडिकल में है. अब इसको हमें रूट से बाहर निकालना है, पर हमें फैक्टराइजेशन मेथड नहीं इस्तेमाल करना, हमें डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है. सो आए हम इसे सॉल्व करते हैं. सो डिवीजन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, कुछ बातों का ख्याल रखना है जो कि हम सॉल्यूशन के दौरान ही डिस्कस करेंगे. सो हमारे पास वैल्यू है 1, 2, 2, 5. अब हम इसको लिखते हैं, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपको. अब आपको क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं 1, 2, 2, 5 के. सो हमारे पास एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, बिकॉज फैक्टराइजेशन मेथड्स में भी तो हम पेयर बनाते थे ना, तो डिविजन मेथड में भी हमें पेयर्स बनाने होंगे लाजमी. पेयर्स आपको दो दो के बनाने हैं. अगर इन केस कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें 5 डिजिट्स आ रहे हैं और उसका पेयर नहीं बन रहा, एक वैल्यू जो है वो सिंगल है, वो अनपेयर है, तो फिर आपको उस वैल्यू पर खाली टेबल अप्लाई करना है. अब इस पे हमने क्या किया है, पेयर्स बना लिए. अब पहले हम कौन सा पेयर सॉल्व करेंगे, 12 वाला पेयर और देन 25 वाला पेयर. बनाने का ये मतलब होता है कि आपको उन वैल्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, पहले एक पेयर को फिर दूसरे पेयर को. और अगर यहाँ पर हमारे पास दो पेयर्स हैं, अगर हमारे पास 3 होते तो फिर हम 3 को करते. अब जो डिवीजन मेथड से टेबल अप्लाई करने का रूल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल डिवीजन में. अब देखें, अगर हमें 12 के पेयर को सॉल्व करना है तो आप सब के दिमाग में यही आ रहा होगा कि हम 3 4s are 12 या 2 6s are 12 करके इसे सॉल्व कर लेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं होता डिवीजन में. डिवीजन में आपको स्क्वायर्स में टेबल लेना होता है. किस तरह, ये हम यहाँ पे देखते हैं कि डिवीजन में हम टेबल कैसे लेते हैं. अगर हमारे पास 2 का टेबल हम किसी वैल्यू पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा जो है कि 4. और अगर आप 3 का टेबल ले रहे हैं तो 3 को 3 से. सिमिलरली जो भी आप नंबर लेंगे उसको खुद नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा. हमने यहाँ पे 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, इसको आप 3 × 3 को आप 3 स्क्वायर भी तो लिखते हैं ना, तो आप जो भी नंबर लेंगे आप उसको उनके स्क्वायर्स में मल्टीप्लाई करेंगे. अब आप यहाँ देखें हमारे पास वैल्यू में क्या है, हमारे पास वैल्यू में है 12. अब 12 कैसे आएगा, 12 अगर हम 3 3s are 9 करें, बिकॉज 2 2s are क्या होता है 4, तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है. 3 3s are 9, हमें सबसे नियरेस्ट वैल्यू लेनी है, उससे छोटी हो या फिर उसके बिल्कुल इक्वल हो. अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम उससे छोटी लेंगे. अब 4 4s are तो हमारे पास 16 होता है, वो बड़ा हो जाता है, तो हम फिर 3 3s are 9 लेंगे यहाँ पर. अब आपको क्या करना है, यहाँ 3 लिखना है. जो टेबल आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ लिखेंगी, तो यहाँ पे आपने 3 लिखा, ऊपर भी 3. 3 3s are हमारे पास है 9. यहाँ पे हमने 3 लिखा और ऊपर भी 3 लिखा, 3 3s are हमारे पास बराबर है 9 के. सो यहाँ हमने 9 लिख लिया. अब क्या करना है, जिस नंबर का आपने टेबल अप्लाई किया है वही नंबर आपको नीचे ऐड करवाना है. अब 3 3s are 9 किया है ना, तो अब 3 को ही हम क्या करवाएंगे, ऐड भी करवाएंगे. अब 3 + 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं. यहाँ माइनस करेंगे, 12 - 9 कितने होते हैं, 12 - 9 हमारे पास होते हैं 3. सो यहाँ हमने 3 लिखा. अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पूरे बचे हुए पेयर को नीचे लाएंगे. हम सिंगल नंबर को नीचे नहीं ला सकते, नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, एक एक नंबर को नीचे लाते जाते हैं और उसे डिवाइड करते हैं. पर यहाँ पे आपको पूरे 25 के पेयर को यहाँ लेके आना है. ये जो पूरा 25 का पेयर था ये अब यहाँ शिफ्ट हो गया. सो यहाँ पे अब आपको कोई ऐसा नंबर चूज़ करना है, 5 5s are 6 6s are. यहाँ पे 6 के साथ कोई ऐसा नंबर आपको ऐड करवाना है कि हम डिवाइड करें और 3 2 5 5. सो देखें लास्ट में एंड में हमारे पास क्या है, 5 है, तो इस नंबर के भी एंड में आपको प्रोबेबली 5 ही लेना होगा. अगर हम 64 को फॉर एग्ज़ाम्पल 4 से करवाएंगे
ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, तो 4 4 16 हो जाएगा और हमारा एंड नंबर क्या है 5 है, तो अब हम 65 ले सकते हैं। 65 को हम 5 से करवाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना जो नंबर आप न्यू ले रहे हैं उसको उसी से करवाना है। मैंने 5 नया नंबर लिया क्योंकि 6 तो हमारे पास पहले से यहाँ प्रेजेंट था, हमने यहाँ पे 5 न्यू नंबर लिया है, तो अब 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। अब 5 5 सा क्या होता है 25, सो 6 5 सा 30, 30 प्लस 2 हमारे पास होता है 32। यहाँ पे हमें 3325 वैल्यू मिल गई, और अब हम यहाँ पे क्या चाहिए थी, यहाँ पे भी हमें 325 चाहिए थी। ये मुझे कैसे पता चला कि मैं इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करूँ, आपको क्या करना है इस वाले लास्ट नंबर को देखना है। अब ये लास्ट नंबर मेरे पास यहाँ 5 था, तो मैंने क्या किया इधर भी 5 रखा, बिकॉज अगर आप दूसरे नंबर्स रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 63 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 3 सा क्या होगा 9, पर मुझे एंडिंग में नंबर क्या चाहिए 5 चाहिए, तो 5 रखने पे ही हमारे पास एंडिंग में दूसरा नंबर आएगा क्योंकि हम सेम नंबर्स ले रहे हैं। तो 65 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 325 आया, सो यहाँ पे हमने क्या नंबर लिया, यहाँ पे हमें नंबर लिया 65 और ऊपर भी फिर 5, 65 को 5 से किया तो हमारे पास आया 3 2 3 2 5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 प्लस करवाएंगे, वैसे तो हमारी डिवीज़न ऐड हो गई है, पर एक स्टेप है कि जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे ऐड भी करवाना है, तो हम उसे ऐड भी करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0, बिकॉज यहाँ वाली वैल्यूज़ को आपको सब्ट्रैक्ट करना है और इस तरफ वाली वैल्यूज़ को माइनस, सो हमारे पास 1225 का स्क्वायर रूट क्या आया 35। सो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1225 बराबर है 35 के। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस रिसीव हों। थैंक यू।